Hello friends, in our last video we discussed about GATE exams pattern, question paper pattern, total marks. We discussed mainly about the syllabus of XE group and food technology syllabus. Now I have got questions from many aspirants saying that whether this video will be helpful for those aspirants who are preparing for Excel group. Jo Excel group mein exam dena chahte hain, kya unke liye ye video helpful rahega? जी हाँ बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एक्ससी एंड एक्सेल ग्रुप इन दोनों ग्रुप्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट है इन दोनों ग्रुप्स में वो है आपका फूड टेक्नोलॉजी का पेपर और दूसरा सब्जेक्ट जो कॉमन है वो है जनरल एप्टीट्यूड का पेपर. ये दोनों पेपर्स जो है आपके कॉमन है, इन दोनों का सिलेबस भी सेम है और जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो भी सेम है. तो जो एक्ससी ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है. फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और जो एक्सेल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है. टुडे विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है. चैप्टर क्या है? मटेरियल बैलेंस. मटेरियल बैलेंस में मेनली हम फोकस करेंगे किस पे? मास बैलेंस पे. पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद विल मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स. As you can see here, the word balance is written. Now, what is balance? Balance आपको पता है कब होता है? जब अगर हम तराजू की बात करें तो दोनों साइड में अगर सेम वेट रखे तो बैलेंस आता है. तो यहाँ पे भी सेम चीज है. किसकी बात की जा रही है? मास बैलेंस की. मतलब दोनों साइड में जो चीजें होंगी वो सेम होंगी. कहने का मतलब ये है, मास बैलेंस का जो मेन प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है? मैटर पे. मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मैटर को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता. क्या होगा? उसका फॉर्म चेंज होगा. विल सी हाउ डज दिस हैपन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1 kg पोटैटो पेस्ट है, इफ आई एम टेकिंग 1 kg पोटैटो पेस्ट, और मुझे क्या चाहिए इस 1 kg पोटैटो पेस्ट से? मुझे चाहिए पोटैटो पाउडर. अब बात यह आती है कि पोटैटो पेस्ट से पोटैटो पाउडर कैसे मिलेगा? पोटैटो पेस्ट है मतलब इसमें क्या है? पोटैटो है अलोंग विथ क्या है? वाटर. और पोटैटो पाउडर मतलब क्या? ये ड्राइड है, मतलब इसमें वाटर नहीं है. तो कैसे वाटर रिमूव हो? ऑब्वियसली इस 1 kg मटेरियल को जब हमने ड्रायर में पुट किया तो ये ड्रायर क्या करेगा? वाटर को रिमूव कर देगा. वाटर को रिमूव करने के बाद हमें क्या देगा? पोटैटो पाउडर. So, if I take this potato paste as P, water as W, and this dried potato powder as D, that is the dried product. So, can I say this P, that is the potato paste, this is equal to this dried powder plus water? अगर इस dried potato powder के साथ water को mix कर दिया जाए तो दोबारा से वही paste मिलेगा जो पहले था. मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो 1 kg है वो यहां पे भी है. सो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सिर्फ क्या हुआ? फॉर्म चेंज हुआ. पहले पेस्ट के फॉर्म में था, फिर हमें किसके फॉर्म में मिला? ड्राइड पाउडर के फॉर्म में. और उसके साथ अगर हम दोबारा उसी वाटर को मिक्स कर दें जो ड्रायर ने एवोपोरेट किया था तो हमें वापस से ये पेस्ट मिल जाएगा. तो इससे हमें एक ही चीज समझ में आ रही है, वो क्या है कि हमने जितना इनपुट दिया हमें आउटपुट में भी वही मिला. आउटपुट में वही मिला. आउटपुट क्या था? वाटर भी था और ड्राइड पाउडर भी था. तो बेसिक फॉर्मूला जो है मास बैलेंस का वो ये है, इनफ्लो जितना हमने पेस्ट लिया दैट इज इक्वल टू आउटफ्लो, मतलब जो वाटर हमारा निकल गया, प्लस एक्यूमुलेशन. क्या था वहां पे एक्यूमुलेटेड? ड्राइड पाउडर. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मास बैलेंस. जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है. इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो प्लस एक्यूमुलेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. नाउ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स किस तरीके के आते हैं हम वो चीज सीखने की कोशिश करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे मेनली कंसिडर किया जा रहा है किसको? मास को. कंसिडर दिस सम. इन हाउ मच अमाउंट ऑफ पोर्क. पोर्क में क्या क्या है? 15% प्रोटीन, 20% फैट, 63% वाटर. शुड बी मिक्स्ड विथ बैक फैट. 15% वाटर है बैक फैट में, 80% फैट, 30% प्रोटीन. टू मेक 100 kg ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 25% फैट.
चाहे न्यूमेरिकल कोई भी हो, मटेरियल बैलेंस के अगर आपको सम सॉल्व करने हैं तो आपको यूनिट ऑपरेशंस याद रखने होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ पोर्क, कितना अमाउंट ऑफ पोर्क चाहिए हमें, किसके लिए चाहिए, शुड बी मिक्स्ड, मिक्स करने के लिए चाहिए, किसके साथ मिक्स करना है हमें, विथ बैक फैट टू ऑब्टेन, क्या बना रहे हैं हम, 100 kg ऑफ अ मिक्सचर। तो यहाँ पे जो बेसिक यूनिट ऑपरेशन है वो है क्या, मिक्सिंग, सिंपल मिक्सिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो हम मशीन यूज कर रहे हैं वो क्या है, मिक्सर। आप जब भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, आपको बेसिक डायग्राम बनाना है। जैसे ही आपका ये बेसिक डायग्राम बन जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आप क्या क्या मिक्स कर रहे हो, पोर्क को मिक्स कर रहे हो, पोर्क लिखा हमने यहाँ पे, पोर्क को हमने मिक्स करना है, लेकिन पोर्क में है क्या क्या पहले वो लिखेंगे। 15% पोर्क में क्या है, प्रोटीन, 20% क्या है, फैट, 63% क्या है, वॉटर। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, दिस शुड बी मिक्स्ड विथ बैक फैट, किसके साथ मिक्स कर रहे हैं हम इसे, बैक फैट के साथ। तो मिक्सर में आपने दो इंग्रेडिएंट्स डाले, एक तो आपने पोर्क को डाला, दूसरा आपने क्या डाला, बैक फैट। बैक फैट इट कंटेन्स 15% वॉटर, इसमें 15% वॉटर है, 80% क्या है, फैट, 30% क्या है, प्रोटीन। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद आपको क्या मिला, इन दोनों को मिक्स करने के बाद मिला एक मिक्सचर। ये मिक्सचर कितना है, टोटल है ये मिक्सचर 100 kg। इस 100 kg में क्या क्या है, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि इस 100 kg में क्या है, 25% फैट है। अब हमें निकालना क्या है कि पोर्क हम कितने अमाउंट में इस बैक फैट के साथ मिक्स करें कि हमारा जो टोटल मिक्सचर है वो 100 kg हो और उसमें क्या रहे, 25% फैट। तो मास बैलेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मास बैलेंस इक्वेशन। तो वी विल ट्राई टू फॉर्म दैट इक्वेशन, इक्वेशन पहले ओवरऑल मास बैलेंस इक्वेशन को फॉर्म करना है। नाउ लेट अस फॉर्म द ओवरऑल मास बैलेंस इक्वेशन। आई विल कंसीडर दिस पोर्क एज पी एंड दिस बैक फैट एज बी एंड आई हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड दिस मिक्सचर एज एम। ये हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं कि P को जब हम B के साथ मिक्स करेंगे तो हमें M मिलेगा। सो ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन वो क्या कह रहा है, P प्लस B विल गिव अस व्हाट, M। अगेन वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द वैल्यू ऑफ M, हमें कितना पता है M कितना है, 100 kg। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बी केयरफुल अबाउट यूनिट्स, क्योंकि जब आप गेट का एग्जाम दोगे आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्वेश्चन में आपसे क्लियरली पूछा जाएगा स्टेट द आंसर इन SI यूनिट या स्टेट द आंसर इन CGS यूनिट। तो बी केयरफुल अबाउट यूनिट। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हुआ। अब आफ्टर ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, बाकी के जो वैल्यूज हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास फैट का वैल्यू पोर्क में कितना है वो मेंशनड है, बैक फैट में कितना है वो भी मेंशनड है, और मिक्सचर में कितना है वो भी मेंशनड है। तो इस कंपोनेंट को बैलेंस करके हम हमारा दूसरा इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट बैलेंस इक्वेशन। ये था ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन और ये क्या है, कंपोनेंट बैलेंस इक्वेशन। कंपोनेंट बैलेंस इक्वेशन क्या कह रहा है, 20% ऑफ फैट इज प्रेजेंट इन दिस पोर्क। सो कैन आई राइट 20% ऑफ पी। जब ये 20% ऑफ पी मिक्स हुआ किसके साथ, 80% ऑफ बी के साथ, तो उसने हमें क्या प्रोवाइड किया, 25% ऑफ एम। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, रादर आई विल नॉट सॉल्व दिस नाउ, इसे अभी हम सेकंड इक्वेशन नहीं कहेंगे। अब बात ये आती है कि गेट में आपके पास 3 आवर्स का टाइम होगा, उसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी सेक्शन है, तो वो दोनों पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, और एक पेपर अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पेपर्स एंड फूड टेक्नोलॉजी। सो ऑब्वियसली 3 आवर्स में इतने सारे पेपर्स करने हैं तो कैलकुलेशन को हमें शॉर्ट करना होगा।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैसे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 एंड राइट हैंड साइड में भी 100 है, तो इन 100s को हम इजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हमने इन 100s को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या बचता है, 20p प्लस 80b इज इक्वल टू 25m, राइट। अगेन 20p प्लस 80b विल बी इक्वल टू 25 इंटू एम का वैल्यू कितना था, 100 kg, दैट वॉज गिवन इन क्वेश्चन, सो 25 इंटू 100 दैट मेक्स इट 2500 एंड ऑन दिस साइड वी हैव 20p प्लस 80b दैट इज इक्वल टू 2500, सो दिस इज माई इक्वेशन टू। सो नाउ आई हैव टू इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज पी प्लस बी इक्वल टू 100 kg एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 20p प्लस 80b इज इक्वल टू 2500। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन टर्म्स हैं, ऑब्वियसली वी कैन सॉल्व देम। कैसे सॉल्व करेंगे, आई कैन मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या अमाउंट निकालना है, पी, मतलब किसे हटाना है, बी को हटाना है, तो ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 80 से। तो दोनों इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 80 से मल्टीप्लाई किया, 80p प्लस 80b इज इक्वल टू 80 इंटू 100, ये मिला हमें मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन विद 80। व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड फर्स्ट इक्वेशन विद 80, बिकॉज यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट क्या है, 80, तो इस 80 को कैंसिल आउट करना था। अब यहाँ पे क्या है, 20p प्लस 80b इज इक्वल टू 2500, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों इक्वेशंस को, तो 80 माइनस 20 कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 60p एंड दैट इज इक्वल टू 8000 माइनस 2500 मीन्स 5500। अब पी का वैल्यू कितना आएगा, 5500 डिवाइडेड बाय 60, इन 00 को कैंसिल किया, मतलब 550 डिवाइडेड बाय 6, दिस वन यू विल गेट एज 91.67 kg। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इफ यू मिक्स 91.67 kg ऑफ फॉर्क अलोंग विद बैक फैट, यू विल गेट अ मिक्सचर विच विल कंटेन 100 kg ऑफ अ मिक्सचर containing 25% fat. In this way, we have to solve mass balance equations, जो कि गेट एग्जाम में आपको हर साल मिलेगा, इस पे आपको हर साल एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट इन केस ऑफ मास बैलेंस इक्वेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू ड्रॉ दिस डायग्राम। जैसे ही आप डायग्राम ड्रॉ कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल मास बैलेंस इक्वेशन क्या होगा और उसके बाद आपको क्या करना है, इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स को बैलेंस करना है। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन केम इन द ईयर 2015 इन गेट एग्जाम। द क्वेश्चन सेज देयर इज होल मिल्क एंड द वेट इज 34,950 kg containing 4% fat is to be separated in 6 hours period into skim milk with 0.45% fat and cream with 45% fat. The flow rate of cream stream in kg per hour. Look at this question. They have already mentioned the unit. They want the answer in kg per hour. From the separator is dash. Now, as you can see, यहाँ पे दिया हुआ है dash. That means क्या है? इस question के साथ कोई option नहीं है. मतलब आपको अपना answer यहाँ पे put in करना है
इसके लिए क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इस वजह से इस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बट अगर आपका आंसर सही नहीं हुआ तो वो जीरो हो जाएगा, मतलब आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन क्वेश्चंस में जनरली 2 मार्क्स रहते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दीज क्वेश्चंस। इनमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और 2 मार्क्स इजिली आपके होंगे। अभी हमें ये क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास क्या है? होल मिल्क। होल मिल्क में क्या पड़ा हुआ है? 4% फैट है। इसको सेपरेट करना है। कितने टाइम पीरियड में सेपरेशन प्रोसेस चल रहा है? 6 आवर्स में। तो हमारे पास क्या आया? पहले हमारे पास है होल मिल्क। होल मिल्क इट कंटेन्स 4% ऑफ फैट। नाउ वी हैव टू पुट दिस होल मिल्क इनटू अ सेपरेटर बिकॉज द क्वेश्चन सेज वी हैव सेपरेटेड। तो जो यूनिट ऑपरेशन है, जो मशीन यूज हो रही है, वो क्या है? सेपरेटर। नाउ दिस इज सेपरेटिंग द मिल्क इनटू स्कीम मिल्क। एक प्रोडक्ट क्या मिला हमें? स्कीम मिल्क। स्कीम मिल्क कंटेनिंग 0.45% फैट एंड क्रीम विथ 45% फैट। दूसरा प्रोडक्ट क्या है? क्रीम। इसमें क्या है? 45% फैट इज प्रेजेंट। क्या जानना चाहता है? द फ्लो रेट ऑफ द क्रीम स्ट्रीम। ये जो क्रीम निकल रहा है बाहर, इसका फ्लो रेट कितना है? फ्लो रेट बोला है। देखिए, फ्लो रेट का मतलब क्या होता है? केजी पर आवर यूनिट दिया हुआ है, मतलब हमें निकालना क्या है? केजी मतलब मास का यूनिट होता है केजी, और आवर मतलब टाइम का यूनिट होता है आवर। तो मास एंड टाइम, मतलब हमें निकालना क्या है? क्रीम ये कितने क्वांटिटी में बाहर आया, ये अमाउंट निकालना है, डिवाइडेड बाय टाइम करना है। टाइम ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है। टाइम कितना क्वेश्चन में मेंशन है? टाइम इज इक्वल टू 6 आवर्स, right? So what we have to determine is the amount of cream in this particular separation unit. How much cream is separated, that we have to find out. Now how we will do that? Let us consider this whole milk as P, this cream as Q, एंड द स्कीम मिल्क एज आर। क्योंकि क्वेश्चन में केजी पर आवर बोला है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं होल मिल्क इज इन केजी, क्रीम इज ऑल्सो इन केजी एंड स्कीम मिल्क इज ऑल्सो इन केजी। अब ये जो होल मिल्क है, इसका भी हमें अमाउंट प्रोवाइड कर दिया गया था। कितना है? पी इज इक्वल टू 34950 kg। दिस वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद। तो सबसे पहला काम हमने क्या सीखा था? क्या बनाना है हमें? ओवरऑल मास बैलेंस इक्वेशन बनाना है। नाउ ओवरऑल मास बैलेंस इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ? हमारे पास क्या था? होल मिल्क, दैट इज पी। ये क्या हुआ? सेपरेट हो गया। सेपरेट हुआ दो फॉर्म्स में। किसमें किसमें सेपरेट हुआ? एक आर और एक क्यू, मतलब एक क्रीम और एक क्या है? स्कीम मिल्क। सो कैन वी सी दिस होल मिल्क पी इज इक्वल टू आर प्लस क्यू, दैट वी हैव रिटन हियर। दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन। अब पी का वैल्यू हमें पता है। पी का वैल्यू कितना है? 34950। सो दिस 34950 विल बी इज इक्वल टू आर प्लस क्यू। सो दिस इज माय इक्वेशन वन। नेक्स्ट जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, इसमें कंपोनेंट बताया गया है फैट का। फैट कितना है? 4%। इसमें 45% और इसमें 0.45%। सो कैन आई से 4% मतलब 4/100। 4/100 ऑफ पी दैट इज इक्वल टू 0.45%, मतलब 0.45 डिवाइडेड बाय 100% था, इसी वजह से नीचे 100 आया। आर प्लस क्या होगा? 45% ऑफ क्यू। 45% मीन्स 45/100 क्यू ये मिला। तो 100 दोनों साइड में नीचे हर एक के नीचे लिखा हुआ है, जिस वजह से 100 हम बोथ साइड से कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा? 4p इक्वल टू 0.45r प्लस क्या बचा? 45q। अब हमारे पास p का वैल्यू है, तो हमने p का वैल्यू पुट कर दिया। तो 4 × 34950 ये दिया हुआ था, दैट इज इक्वल टू 0.45r प्लस 45q। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 × 34950 अगर इसे किया जाए, 4 × 34950 अगर सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू आएगा 139800, दैट इज इक्वल टू 0.45r प्लस 45q।
ये आया, ये क्या है आपका सेकंड इक्वेशन। निकालना क्या था आपको, अमाउंट ऑफ क्रीम, मतलब किसका वैल्यू निकालना है, क्यू का वैल्यू निकालना है। तो अगर क्यू का वैल्यू निकालना है मतलब किसे एलिमिनेट करना है, आर को एलिमिनेट करना होगा। तो आर को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.45 से। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन विथ 0.45, यू विल गेट 34950 इंटू 0.45, दैट इज इक्वल टू 0.45 आर प्लस 0.45 क्यू, और दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1572.75, दैट इज इक्वल टू 0.45 आर प्लस 0.45 क्यू। दिस इज द फॉर्म विच यू विल गेट फाइनली आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन विद 0.45। अब ये सेकेंड इक्वेशन क्या था, 139800, दैट इज इक्वल टू 0.45 आर प्लस 45 क्यू। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, -12407.25, दैट इज इक्वल टू, ये ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, -44.55 क्यू। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया ऑब्वियसली, तो क्यू का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 12407.25 डिवाइडेड बाय 44.55। दिस वैल्यू यू विल गेट एज 2785.01 kg। दिस इज आर वैल्यू, ये क्या निकला हमारा, अमाउंट ऑफ क्यू, दैट मीन्स मास जो क्रीम का बाहर आया सेपरेटर से, लेकिन हमें मास नहीं निकालना था, हमें क्या निकालने के लिए बोला गया था, केजी पर आवर, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू ऑफ क्यू विद टाइम, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 2785.01, दिस वॉज इन केजी, डिवाइडेड बाई टाइम, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 6 आवर्स। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 464 पॉइंट। नाउ बी केयरफुल अबाउट द डिजिट्स विच यू आर राइटिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में काफी बार बोल दिया जाता है कि आपको राउंड ऑफ करना है आंसर, राइट अप टू 2 decimal points और 3 decimal points। सो अगर आंसर इस तरीके से आया है, आपको बोला गया है राउंड अप टू 2 decimal points, तो आपका आंसर क्या होगा, 464.17। वाई 17, यहाँ ये नंबर देखिए 6 है, अगर यहाँ पे जो नंबर है उसके बाद वाला नंबर, इमीडिएट बाद वाला नंबर, ये अगर 5 से ज्यादा है तो ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ नंबर 6 था, इसके इमीडिएट बाद वाला नंबर क्या है, 9, मतलब 5 से ज्यादा, इसलिए हमने इसे राउंड ऑफ किया, क्या लिखा 7, राउंड ऑफ किया, क्या लिखा 7। सो दिस इज द फाइनल आंसर इन केजी पर आवर। सो आई होप फ्रेंड्स दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट मटेरियल बैलेंस, दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल बैलेंस। मटेरियल बैलेंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में पहले आपको ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद कॉम्पोनेंट बैलेंस इक्वेशन फॉर्म करना है, देन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे आप तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मास बैलेंस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। And if you have any queries or doubts related to this video, related to this chapter, you can obviously message me and I will reply them in the next video. And I will reply you personally also. So if you like this video, please subscribe the channel. And in the next video, we'll be discussing about the next chapter that is based on heat exchanger. This is also one of the most important topics in GATE. क्योंकि यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, LMTD, यहां से जरूर क्वेश्चन आता है। एंड एज आई सेड अर्लियर इन दिस वीडियो, आई रिपीट अगेन, XC एंड XL दोनों का फूड टेक्नोलॉजी का सिलेबस भी सेम है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी सेम है। सो सॉल्व दीज क्वेश्चन ओनली, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर XC एंड XL ग्रुप बोथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।